नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों में बनने वाले इस खास नाश्ते की रेसिपी। और बिल्कुल कम सामान में इतने मज़े का ये नाश्ता बनेगा, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा। आप देखें कितनी बढ़िया इसमें जाली बनी हुई है। और आप इस नाश्ते को टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस नाश्ते को। हम आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा इस थाली भर नाश्ते को। मिक्सी का हमने यहाँ पे जार ले लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने छील लिया था, साथ में 2 हरा मिर्च लिया है, तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 5 से 6 लहसुन की कली डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा सा पीस के हमने साइड रख लिया है। 1/2 कप हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है, ये घर का जमा हुआ दही, हल्का खट्टा है। बेकिंग सोडा डालेंगे 1/4 चम्मच, मीठा सोडा, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बहुत ही कम चीज़ों से आज हमारा नाश्ता बढ़िया से बनके तैयार हो जाएगा। तो अब हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है, तो बाकी की चीज़ें भी अब हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले जब ये अच्छे से फिट जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। इसे फेंटने के बाद 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदे से ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है, एकदम हल्का हल्का बढ़िया सा। अगर आप इसमें मैदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो बेसन का भी कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक डो लगाकर तैयार करेंगे। बैटर को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, हल्का सा ही थिक रखेंगे और इसे पानी डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। और अब देखें ये काफ़ी थिक सा हमें बैटर बनके तैयार दिख रहा है। इसी तरह से थिक सा हमें बैटर बनाना है। हरा धनिया डाल देंगे, इससे फ्लेवर तो अच्छा आएगा भी और देखने में भी बहुत ही अच्छा दिखेगा हमारा नाश्ता। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और जो हमने अदरक मिर्ची लहसुन का मसाला बना के तैयार किया था इसे डाल देंगे। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला देंगे और देखें इतना बढ़िया ये बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से हमें इसे थिक बनाना है। अब इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और अब हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है, आप देखें इस तरह से दिख रहा है, और इसे इस तरह से गिरा रहे हैं तो पकौड़े के जैसे गिर रहा है। तो ये तो हमारा रेडी हो गया है, तो इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए साइड। और यहाँ पे अब मैंने एक पॉलीथीन ले ली है और इसी से आज हम नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो सारा बैटर हम पॉलीथीन के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से पॉलीथीन को खोलेंगे और सारा बैटर अंदर डाल देंगे। बैटर डालने के बाद ही हम इसमें गट्ठी लगा देंगे। जब सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे तो एक गट्ठी लगा के तैयार कर देंगे। आप देखेंगे बिना हाथ खराब किए बढ़िया सा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। और जब भी कभी कोई मेहमान आना है या फिर आपको शाम को खाना है तो इस तरह से इस पॉलीथीन में बना के रख दीजिए और शाम को गर्मा गर्म तल लीजिए। तो देखें ये तो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें होल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 होल करने वाली हूँ, आप चाहें तो 1 ही कर सकते हैं या 2, जैसे मतलब आप जल्दी अगर पकोड़े बनाना चाहें तो 2 कर सकते हैं, नहीं तो 1 से भी अच्छे से निकल आता है। तो मैंने तो यहाँ पे 2 होल कर दिए हैं और जब हम पन्नी को दबाएंगे तो ये होल थोड़ा और बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने होल लगा दिए हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और इन पकोड़ों को इस तरह से मैं डाल रही हूँ। और इसी तरह से डालते हुए हमें इन पकोड़ों को बना लेना है। यहाँ पे मैंने हाथ में चम्मच ली है और इस तरह से मैं इसे गिरा रही हूँ।
अगर हम इस तरह से कट करके इसे नहीं गिराएंगे तो ये थोड़ा सा लंबे साइज के बनेंगे, इसलिए मैं चम्मच की सहायता से इस तरह से कट करके गिरा रही हूँ। अगर इस तरह से नहीं आप कट करके डालना चाहें तो सीधे पन्नी से भी डाल सकते हैं, पर उनका साइज़ थोड़ा सा लंबा सा बनता है, गोल नहीं बनता। तो बस जितने कढ़ाई में आएंगे हम इस तरह से बैटर को डालते जाएंगे, और जब ये अच्छे से क्रिस्पी से सिकने लगें, देखें पहले वाले हमारे अच्छे गोल गोल से बन के सिक्के तैयार हो गए हैं, और बस हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से अब मैं और भी इस तरह से, जैसे पन्नी से डालना चाहें तो इस तरह से भी आप गिरा सकते हैं, जैसे मैंने बताया, देखें लंबे साइज़ के बनते हैं, पर अगर हम चम्मच से थोड़ा सा कट लगाते हैं तो गोल गोल गिरते हैं। तो जैसी सुविधा हो जाए आपको वैसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइज में अगर लंबे हों या गोल, लेकिन टेस्ट तो हमारा वैसे ही रहने वाला है। तो इनको मैंने इस तरह से डाल दिया है, जितने कढ़ाई में आए एक साथ डाल दिया है। अब हम इन्हें भी अच्छे से कलर चेंज होने तक सेकेंगे, जब तक कि इनका अच्छे से कलर सा चेंज ना हो जाए तब तक हमें इन्हें सेक लेना है। आंच को हमने मीडियम ही रखा है और सेक रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे चम्मच की सहायता से भी इसे डाल दिया है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से चम्मच से गिराकर भी इन पकौड़ों को बनाया जा सकता है, और बहुत ही इजी तरीका है इस चटपटे से नाश्ते को बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक करिएगा, हो सके तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी चटपटे नाश्ते की रेसिपी। और देखें अब इनका भी कलर चेंज हो गया है, और ये भी अच्छे से कलर से, मतलब से चेंज होने के बाद मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है। नाश्ता हमारा बढ़िया सा क्रिस्पी सा बन के तैयार हो गया है, और जैसे मैंने बताया ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, एकदम हल्का है ये नाश्ता। देखिए कितनी बढ़िया इसमें जाली पड़ी है। आप इस नाश्ते को टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ जैसे चाहे खा सकते हैं। तो मिलते हैं हम इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।